अलवरगेट थाना अंतर्गत एक निजी फाइनेंस कंपनी में पूर्व कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार सुबह 11 बजे की है। अजंता सिनेमा के पास सिद्धि कॉम्प्लेक्स में जनलक्ष्मी फाइनेंस कंपनी के जयपुर से कुछ कर्मचारी ट्रांसफर होकर आए थे। इस कंपनी में पहले काम करने वाले कुशाल, जेपी यादव, भरत ढोली, ओम प्रकाश, चंदन सिंह को कंपनी ने हटा दिया था, जिससे वो नाराज थे और ऑफिस में कब्जा करके बैठे थे। इसी बीच नए ट्रांसफर होकर आए राहुल राय, तुषार और जागृत को ज्वाइन नहीं करने की धमकी देते हुए तीनों को लोहे के सरियों से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल एरिया मैनेजर राहुल राय ने बताया कि इसी कंपनी के पूर्व कर्मचारी चंदन और पुष्कर आज अपने 35-40 साथियों के साथ हाथों में लोहे की रॉड लेकर ऑफिस में घुस गए और उनकी बुरी तरह पिटाई की। राहुल के अनुसार हमलावरों ने ऑफिस के लैपटॉप भी तोड़ दिए और उनके गले से सोने की चेन भी तोड़ ली और आईफोन छीन लिया। जैसे ही हम यहाँ पर ऑफिस पहुंचे 11 बजे करीब, मेरे पास में राम निवास जी आए और उन्होंने आकर के कहा कि यहाँ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या। तो मैंने मना कर दिया, मैंने किसी भी तरह का झगड़ा, बोले नहीं, मेरे पास में आगे से फोन आया है कि यहाँ 2-3 लोगों के सर्वर फोड़ दिए हैं और बैंक का झगड़ा हुआ है। मैंने नहीं, वैसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने हाथ मिलाया, इतने में ही 35-40 लड़के, जिनमें से मैं दो को पहचानता हूँ, एक खुशपाल और एक चंदन, ये दोनों ऑफिस के अंदर आए और आते ही हमारा जो सीनियर मैनेजर है तौफीक से झगड़ा करने लगे। बोले कि ये नए लड़के मना कर रहा था ऑफिस के अंदर, कैसे आए। तो उनमें गुत्तम गुत्ता हुए, इतने में ही वो 35-40 सबको मारना शुरू हो गए, ऑफिस में तोड़फोड़ करना शुरू हो गए और उन्होंने तौफीक को उठा करके ऑफिस से पहले मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने साथ में जो लड़के थे, एक आशीष गोरा और एक मीणा है, उन लोगों को भी जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया और मेरे साथ मारपीट करते हुए मेरे को नीचे लेकर के आए। अपने साथियों की पिटाई से गुस्साए सैकड़ों साथियों ने अलवरगेट थाने पहुंचकर थाने का घेराव करने की कोशिश की और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए थाने में कई बार घुसने का प्रयास भी किया। इसी बीच पुलिस कर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। मामला बढ़ता देख सीओ साउथ गौरव यादव, आदर्श नगर थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह और अतिरिक्त जाब्ते ने थाने पहुंचकर गुस्साए साथियों को शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झगड़े की जानकारी देते हुए सीओ साउथ गौरव यादव ने बताया कि घायलों की रिपोर्ट पर आरोपी कुशाल, जेपी यादव, भरत ढोली, ओम प्रकाश, चंदन सिंह के साथ 5 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया और जांच की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि जनलक्ष्मी जो फाइनेंस कंपनी है, वहां पर दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है, जिसपे पुलिस मौके पर गई, जिन्हें चोट लगी थी उन्हें ले आई और मारपिटाई करने वाले और अन्य लोगों को ले आई। बाद में जो है कि डिटेल में पूछताछ करने पर और जो FIR आई है, उससे प्रकरण यह सामने आया है कि जो जनलक्ष्मी में ऑलरेडी पुराने लोग जो काम कर रहे थे और जो नए कुछ लोग गए थे, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर गए थे ज्वाइन करने, तो पुराने लोगों ने इन्हें इस बात पे धमकाया कि आप बिना पूछे कैसे आ सकते हो ज्वाइनिंग करने, और इस बात को लेकर इन्होंने इनके साथ मारपिटाई की, जिसपे प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से जनलक्ष्मी कंपनी को फ्रॉड करार देते हुए जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन देकर कंपनी और कंपनी प्रतिनिधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। और बैठ जाता घर आके, बोले लेके जाऊंगा मैं किस्त, बोले कैसे भी लाके दो, मेरे को तो चाहिए आज किस्त। तो हमारे घर में झगड़ा भी हो गया, मेरे बच्चे ने लड़ाई करी मेरे से और दिया उसको कैसे भी। ये हमने जो लोन उठा रखा ना जनलक्ष्मी से, उसकी किस्त मांग रहा था वो हमसे, तो हमने दे भी दी। और अभी ना बोल रहा था कि मेरे को पैसे देना 15 तारीख को, नहीं तो तुम्हारा सामान ले जाऊंगा उठा के। नहीं फिर वो अभी आएगा 15 तारीख को लेने के लिए। जो भी ड्यू पैसा चल रहा है, वो उस ड्यू पैसे को आप हमको ना लिख के दे उसमें, और जितना भी इन्होंने पैसे का गमन करा है, मैं आगे हम आपकी ना कार्रवाई करेंगे उस चीज के अंदर। और इन्हों से ये लोकान की लेडीज है, इनसे अभी अभी कलेक्शन 50,000 रूपए करा के लिखा है और ना इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी, तुरंत का ही है ये, 2 बजे से पहले से इनका कलेक्शन करा इनसे बात। जनलक्ष्मी कंपनी थी और हम लोगों ने बराबर पैसा दिया, ठीक है। ये कभी 50,000 लेके जाते, कभी 60,000 लेके जाते, 80,000 लेके जाते, हर मतलब 7 तारीख का भी था, 8 तारीख का भी था, 9 तारीख का भी था, 21 का भी था, 17 का भी था, 14 का भी था, 15 का, कम से कम 70-80 हजार रूपए गड्डिया भर के लेके जाते थे। रसीद उसकी नहीं देते थे, हमें रसीद दे देते थे। यहाँ तक कि इन्होंने इतना मजबूर कर दिया औरतों को, कोई औरत अपना सिलेंडर बेच रही है, कोई कपड़े बेच रही है, कोई बर्तन बोच रही है, 20-20 रुपए के सैकड़े पे ब्याज पे लाला के इनको पैसा दिया है। और जो सुबह 6 बजे आ रहे हैं, कोई टाइमिंग नहीं इनकी आने की, कोई टाइमिंग नहीं। ये कभी 6 बजे आ जाते, कभी सुबह आ जाते, कभी दिन में आ जाते, कभी रात में आ जाते, ना तो रोजा देखते हमारा, ना नमाज
पास देखते कुछ नहीं, बैठ टाइम आके बैठ 6-6 घंटे बैठ जाते। ये जनलक्ष्मी कोई फाइनेंस कंपनी है, उनके कोई पुराने एम्प्लॉई थे जिन्होंने कंपनी में भ्रष्टाचार करा था, कंपनी ने उनको ऑलरेडी 2-3 महीने पहले टर्मिनेट कर चुकी है और हटा चुकी है। आज उसी कंपनी ने दूसरे लोगों को अपॉइंट करा था, राहुल रॉय जागृत और दो और प्रकाश और कुशाल, इनको कंपनी वो आज जैसे ही ज्वाइनिंग करने गए तो वो जो पुराने कंपनी के एम्प्लॉई थे जिनको टर्मिनेट कर दिया था, उन्होंने उनके साथ मारपीट करी और इन महिलाओं के साथ वो हर रोज पैसे लेते हैं उनसे, न उनको कोई रसीद देते हैं, और आज उन्होंने रसीदें मांगी तो उनको जो उनकी जाति थी उन जाति सूचक शब्दों से अपमानित करा और उनको ये कहा, बोले तुम्हारी 10 रुपए की औकात नहीं है और कंपनी तुमको 25,000 रुपए दे रही है।